एक बड़ी खबर इसी बीच आपको हम बता दें कि सज्जन कुमार को लेकर निचली अदालत ने जो फैसला दिया था, उन्हें बरी किया था, उसे बदल दिया गया है। सज्जन कुमार को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट ने पलट दिया है। ये बड़ी खबर। 1984 के सिख दंगों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बड़ा झटका लगा है। सज्जन को बरी करने की निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट ने पलट दिया है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। इस पूरे मसले पर निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब जो पीड़ित है हाई कोर्ट पहुंचे तो इस पूरे फैसले को निचली अदालत के पलट दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। 1984 के सिख दंगों के मामले में सज्जन कुमार को बरी किया गया था, लेकिन पास भी नहीं, उन्होंने भी लेनी चाहिए। लेकिन जहां तक की जानकारी है उस विषय में उनकी तकरार के बाद जिस बिल्डर के बारे में वो अगर टिप्पणी कर रही है वो बात मैं समझ रहा हूँ, अगर सच है तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको जेल भी हुई, उनको बहुत दिन जेल के अंदर भी रहना पड़ा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। ये एक बड़ा झटका सज्जन कुमार के लिए, क्योंकि निचली अदालत ने उन्हें बरी किया था लेकिन अभी फैसले को पलट दिया। अपेक्षा करते हैं, और सच कांग्रेस में थोड़ी भी शर्म बची होगी तो कमलनाथ के बारे में चिंता करेंगे। तो कमलनाथ भी वैसे ही दोषी था जैसे सज्जन कुमार दोषी था, क्योंकि एक रिलीजियस क्लिनिंग का प्रोसेस कांग्रेस ने शुरू किया था, और आज कोर्ट ने करारा जवाब कांग्रेस को, सज्जन कुमार को और पूरी उस समय की पूरी पॉलिटिकल सस्पेंशन जो इनको दिया आज। ये कौन सा माइक है? ये मैं चेंज हो गया। इसमें कौन सा लगा हुआ है? इसमें हमारा लगा हुआ, ये वाला लगा। तो सज्जन कुमार पर आपराधिक साजिश और हिंसा को उकसाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा। अभी रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रवि, आप पूरी डिटेल्स हमें दे दें। देखिए, इसमें बेसिकली इससे पहले सज्जन कुमार को बरी किया गया था निचली अदालत की तरफ से, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको दोषी पाया है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्जेज उन पर माना गया है। दिल्ली कैंट इलाके में 5 लोगों की हत्या हुई थी उस समय सिख दंगों में, और उस माले मामले में जो एक तरह से कहा जाए प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके गवाह के बयान के आधार पर इनको दोषी पाया गया और ये मान लिया जाएगा। देखिए, सज्जन कुमार पर ये आरोप है, पहले से ही आरोप है, लंबे समय से मामला चल रहा है। उनका टिकट काटा गया कांग्रेस की तरफ से, आपको याद हो कि वो चुनाव भी लड़े, कई बार सांसद भी बने। बीच में एक बार 2009 में जब विवाद हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट काटा, उनका और जगदीश टाइटलर दोनों का टिकट काटा। तो एक लंबे समय से मामला चलता आ रहा है और कहीं ना कहीं जो इस मामले के जो दोषी लोग हैं इनपे एक तरह से चार्जेज थे पर साबित नहीं हो पा रहे थे। कोर्ट ने जो गवाहों के बयान देखे हैं, चाहे जो प्रत्यक्षदर्शियों के बयान सुने हैं, उसके आधार पर इनको दोषी माना है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज इन पे लगा है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अगर कहा जाए तो कांग्रेस को एक बड़ा सेटबैक है इस मामले से, क्योंकि कांग्रेस अब तक बचती आ रही थी। उनका कहना था कि सिर्फ आरोप है, ये आरोप नहीं, अब उनको दोषी पाए जाने के बाद कांग्रेस पर एक बड़ा धब्बा लग गया है एक तरह से सिख दंगों का और 1984 के सिख दंगों का, जिस मामले पर बीजेपी भी उनको घेरती आई है और तमाम पार्टियां, अकाली दल हो चाहे तमाम लोग उन पर घेरते आए हैं। और सज्जन कुमार ऐसे शख्स हैं जिनको लोग जानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस के उस वक्त के बड़े नेता होते थे, सज्जन हो, जगदीश टाइटलर हो, यहाँ तक कि कमलनाथ को लेकर भी आप देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेंगे, उन पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं। तो कांग्रेस के तमाम उन नेताओं पर इस तरह के आरोप लगते आए हैं, लेकिन अभी तक कोई साबित नहीं हो पाया था, किसी को दोषी नहीं पाया गया था। पहली बार है कि कांग्रेस का कोई नेता दोषी पाया गया है इस मामले में, और सज्जन कुमार इतने बड़े नेता दोषी पाए गए हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक है। बीजेपी को एक बड़ा मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं ये मामला और आगे बढ़ेगा, तुल पकड़ेगा। बिल्कुल रवि, अभी चूंकि अगर हम सज्जन कुमार की बात करें उनके पास कई विकल्प बचते हैं, लेकिन अभी उनके पास और क्या ऑप्शंस हैं उसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए, सज्जन कुमार के पास ऑप्शंस है कि देखिए निचली अदालत उनको फ्री किया था, हाई कोर्ट ने आज उनको दोषी पाया, उस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, उसके बाद कुछ हुआ तो उसके डबल बेंच पे जा सकते हैं। तमाम ऑप्शंस उनके पास तमाम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी पहली बार ये मौका है कि इतने दिन के सुनवाई में लगभग 30 साल। ठीक है रवि, जगदीश कौर जुड़ गए हैं जो आई विटनेस थे इस मामले में, उनसे मैं पहले बात कर लेती हूँ। जगदीश, लगभग 34 साल बाद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया है। गुड, क्योंकि मेरे न्यायपालिका में थोड़ा सा विश्वास हुआ है कि न्यायपालिका हमें ये अंसाफ दे सकता है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें, तकरीबन 34 साल बाद 1984 सिख दंगे से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला
सुनाया है, दोषी ठहराया है सज्जन कुमार को। और आपको बता दें कि ये मामला एक हत्याकांड से जुड़ा है जिसमें नवंबर 1984 को दिल्ली छावनी के राजनगर क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 सदस्यों को मार दिया गया था। इसमें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार भी आरोपी हैं, लेकिन निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है। हालांकि तमाम विकल्प उनके लिए अभी खुले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और डबल बेंच ने क्योंकि ये हाई कोर्ट की फैसला सुनाया है तो वो आगे और भी उनके पास विकल्प बचते हैं। लेकिन 34 साल बाद ये फैसला आना, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, चुनाव भी जीता है कई बार इन्होंने। और आपको ये भी बता दें कि 34 साल बाद इस पूरे मसले पर एक नेता का दोषी ठहराया जाना, क्योंकि अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ही 2 दोषियों को सजा मिली, पहली बार इस मामले में, और इतने समय से ही मामला चलता आ रहा है और पहली बार 2 दोषियों को सजा दी गई, सजा उनके लिए मुकर्रर की गई। लेकिन उसके बाद अब चूंकि सज्जन कुमार को बरी कर दिया था निचली अदालत ने, आज इस पर भी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी माना है। और बालकृष्ण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, ये जो है ना, बहुत बढ़िया अच्छा डिसीजन आया है, और जो भी ऐसे लोगों का जो हिंसा जो करते हैं, ऐसे लोगों को जो भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टी हो, सबको सजा मिलनी ही चाहिए। अभी मैं बाबरी मस्जिद का भी, मैं ये जो आने वाली है उसका भी मैं राह देख रहा हूँ। जो भी लोग है सबको इसमें सजा मिलनी चाहिए। मैं इसको बहुत अच्छी तरह से वेलकम करता हूँ, ये जो जजमेंट है इसको वेलकम करता हूँ, और जल्दी से जल्द इनको सजा होना मेरा ये अनुमान है, मुझे होना ही चाहिए। प्रेम शुक्ला भी मेरे साथ जुड़े हैं। प्रेम शुक्ला, 34 साल बाद फैसला आया है। देखिए, साफ तौर पर देखिए किस तरह से कांग्रेस ने जो है सिख नरसंहार के दोषियों को किस तरह से कंसील किया था, पूरी तरह से बचाया था, उसका यह सबूत है। सज्जन कुमार को सांसद बनाया गया, कमलनाथ आज मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जबकि संजय सूरी का उसमें जो है सीधा सीधा बयान है किस तरह से उन्होंने जो है गुरुद्वारा रकाबगंज में किस तरह से 2 लोगों को जलाने का उन्होंने स्वयं सामने से आह्वान किया और जलवाया था। जगदीश टाइटलर को उन्होंने मंत्री बनाया, HKL भगत को मंत्री बना, तो कांग्रेस किस तरह से नर पिशाचों की संरक्षक पार्टी रही है, और किस तरह से उन्होंने सिख नरसंहारों के दोषियों को, रक्त पिशाचों को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया, और हमेशा से उनके खिलाफ कार्रवाई को हमेशा बाधा पहुंचाने का प्रयास किया, इसका जीवंत सबूत है ये। हाँ, पीड़ितों की कुछ बाइट्स आ रही है, वो सुनवा देते हैं। इंदिरा गांधी का कत्लेआम होते ही 1-2-3 दिन तक बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, जो कि ये नहीं होना चाहिए। 3 दिन तक कत्लेआम होना, जिसके घरों में 9-9, 8-8 लोगों को जला दिया, कुछ लोगों ने बचाने का भी काम किया। अभी कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाकर राहुल जी क्या घोषित करना चाहते हैं? सिखों के जख्मों को नमक पुरेजने वाली बात है। मैं सर कैसे देख, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस बात का संतोष भी है कि जिस नेता को, जिस व्यक्ति को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, 34 साल बाद उन्हें दोषी ठहराया गया। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि कितना लंबा वक्त इसमें लग गया, क्योंकि एक आस होती है उन पीड़ितों को जिन्होंने वो मंजर देखा, जिनके अपने इस पूरी हिंसा में उन्हें छोड़कर गए, जिनकी इस दौरान मौत हुई, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इससे पहले जब 2 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था, तब भी जो लोग अदालत के बाहर मौजूद थे उनकी आंखें नम हो गई थी उस वक्त। और अभी चूंकि सज्जन कुमार को लेकर ये कहा जा रहा था कि निचली अदालत चूंकि बरी कर चुकी है, उन्हें भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हाई कोर्ट जो चश्मदीद हैं, उनके जो बयान हैं, उनके जो उनके खिलाफ जो सबूत और इकट्ठा हुए हैं, वो इतने पुख्ता तरीके से पेश हो पाएंगे और वो दोषी ठहराए जाएंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ, क्योंकि जो चश्मदीदों ने बताया, उनके जो बयान थे, वो सबसे बड़ा आधार इस पूरे मसले पर रहे। कोर्ट में आज उन्हीं बयानों के आधार पर, चश्मदीदों की गवाही पर को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं को बेस मानते हुए ये पूरा फैसला अदालत की तरफ से दिया गया। और आपको बता दें कि सज्जन कुमार दोषी पाए गए 1984 सिख दंगों को लेकर। तो हालांकि मेरे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला जुड़े हुए हैं बीजेपी से, उन्होंने लगातार ये भी कहा कि कमलनाथ को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, बनाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का, और वो भी इसके कहीं ना कहीं दोषी हैं, वो भी इसको लेकर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आते हैं।
प्रेम शुक्ला, आपको ये लगता है कि जो विरोध कमलनाथ का हो रहा था, हालांकि उनके विरोध में भी जब पता लगा कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या उनका नाम जब आ रहा था तो हमने विरोधी सुर देखे, लेकिन मुख्यमंत्री तो वो बन रहे हैं? नहीं, ये तो एचकेएल भगत को इन्होंने केंद्रीय मंत्री वर्षों बना के रखा, इन्होंने जो है जगदीश टाइटर को मंत्री बना, तो कांग्रेस तो हमेशा से जो है सिखों का नरसंहार करने वाले रक्त पिशाचों को संरक्षण देने का काम करती रही है। आज सज्जन कुमार के खिलाफ इस निर्णय के आने में 34 वर्षों का समय क्यों लगा? उनको संरक्षण किसने दिया? कानूनी जो बाधाएं खड़ी करने का कार्य किसने किया? और स्वयं राजीव गांधी ने सिखों के नरसंहार के बाद जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया था, क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से यह अपेक्षा थी? अभी यहाँ एक लेखिका है, वो बार बार संविधान को लोग फाड़कर फेंक दे रहे, संविधान का उससे बड़ा जो है अपमान क्या हो सकता था कि 5,000 से अधिक सिखों का नरसंहार हो जाए और नरसंहार करने वाले नरपिशाचों को सतत जो है वो मंत्री बना के रखा जाए, सांसद बना के रखा जाए, उनको संरक्षण दिया जाए। और आज भी जो है जब आप मुख्यमंत्री पद पर बैठा रहे, तो आपने तो एक विक्टिम को बताया ना किस तरह से गवाही देने वाले व्यक्ति को, स्वयं उसका कहना है कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। और इसमें भी से भी अधिक, जो कल तक अरविंद केजरीवाल जो है पंजाब में सवाल पूछ रहे थे कि आप कमलनाथ के खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई क्यों नहीं करती, वही अरविंद केजरीवाल आज जो है मध्य प्रदेश में उनके शपथ ग्रहण में जा रहे हैं। ये कितना बड़ा दो मुहापन है। तो ये विपक्ष की जो महागठबंधन की राजनीति करने का जो दम भर रहे हैं लोग, वो किस तरह से स्वयं अपने ही थूके को चाट रहे हैं, ये तो साफ दिखाई दे रहा है ना। ठीक है बालकृष्ण जी, ये एक बड़ी आस होती है उन तमाम पीड़ितों के लिए जो हाईकोर्ट गए निचली अदालत के फैसले के बाद, एक बड़ी राहत उन्हें दी गई है और साथ ही सख्त संदेश भी दिया गया है अदालत की तरफ से। देखिए क्या है ना, बीजेपी ऐसे बात करे जैसे कि वो दूध से धुले हुए हैं। यही लोग हैं जो पीडीपी से नाता किया जम्मू कश्मीर में। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस के नर पिशाचों पर इनकी चुप्पी बता रही है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध के रोग से ग्रस्त है। नहीं, आपके विरोध कर अभी अभी जिस मुद्दे पर बात हो रही है बात कीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी ने किसी व्यक्ति को बचाया हो, एक उदाहरण दे दीजिए ना, इस तरह के नरपिशाच को बताया हो, हजारों हत्याकांड करने वाले किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी, प्रेम शुक्ला जी सुन लेते, देता हूँ देता हूँ, आप तो सुने तो सही। हाँ दीजिए, आपकी औकात नहीं, आप देने प्रेम शुक्ला जी, आप बीच में टोको मत, आप टोको मत, चारण बताइए ना कि मैं कांग्रेस, मैं देता हूँ ना, आप रुको ना, आप सुनेंगे नहीं तो आप रुको ना, कम से कम आप सुन लीजिए, फिर आप काउंटर कर ना सर, आप सुनेंगे नहीं तो। प्रेम शुक्ला जी, आज सज्जन कुमार पर फैसला आया तो आप जिस तरह से जो है भाजपा चिल्ला रहे बता रहे, आप कांग्रेस के चाटुकार है, कांग्रेस के चरण चाटने वाले नर पिशाचों के चारण है आप। अरे आप चुप बैठो यार, अरे चुप बैठो, आराम से मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे लोगों को बचा रहे। योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतना केसेस है मुर्दों का मक्खन चाटने वाले आपके पास, योगी आदित्यनाथ के पास ऊपर इतना केसेस है, आप वो केसेस पार्लियामेंट में जाके आप उसको विड्रॉ कर रहे थे। आप मुझे बोलो योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतना केसेस है, राइट केसेस है, आप वो पार्लियामेंट में जाके आप उसको विड्रॉ कर रहे थे। आप ऐसे मत बोलो कि आप दूध से धुले हुए, आप भी ऐसे ही है। सब जो राजनीति है ना, सब राजनीति जो है ना, ये सब राजनीति पार्टियां है ना, और अगर तू ये लोग सब वोट के राजनीति करते हैं, ये लोग कोई जन के हित में नहीं आते हैं, ये लोग अपने पेट भरने के नहीं आते हैं। जो भी राजनीति दल है वो लोगों के लिए कोई काम नहीं करता। अरे दलाल केस तो बता, मैं तेरे को चुनौती दे रहा हूँ, अरे दलाल केस तो बता। प्रेम शुक्ला नहीं, प्रेम शुक्ला मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ कि इस तरह के शब्द आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते मेरे शो में, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप लोग मर्यादा से अपने आप बाहर हो जाते हैं। हाँ, ये लोग ऐसे ही हैं। हमारे घर में मेरे फादर को मेरी आंखों के सामने जिंदा जलाया गया था, यही बलवान खोखर धोखे से मेरे फादर को कॉम्प्रोमाइज के बहाने में एक्स एमएलए महेंद्र यादव ये लेके आए थे, और जहाँ पर इन्होंने मेरे फादर साहब को जला दिया था। और ये सज्जन कुमार को मैंने 2 तारीख को भाषण देते हुए देखा था कि एक भी सरदार बचना नहीं चाहिए जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारा, इन सिखों ने इंदिरा गांधी को मारा है, ये असम के बच्चे हैं, इंदिरा गांधी अमर, इन्होंने ये मैंने स्लोगन सुने थे सज्जन कुमार की तरफ से पुलिस की चीख में था। और
पॉलिटिशियंस ने आपको कुछ कहा था इन चौथे साल में? बहुत कुछ हुआ, उतरा चढ़ा बहुत, मेरी तो जिंदगी नरक बन गई है। मैं तो मेरी क्या, मेरे आपके ऊपर बहुत दबाव थे कि आप अपना स्टेटमेंट वापस ले लें। मेरे पर मैडम कितना ये दबाव की तो बात छोड़ो, यहाँ मेरे पर ऐसा दबाव डाला गया, मेरे ऊपर झूठे केस डाल के मुझे टाटा में फंसाया गया। इवन इन्होंने मेरी मदर को भी नहीं छोड़ा, मेरी मदर भी 3 साल 1 महीने काट के आई है सिर्फ इस गवाही के चक्कर में। हमारी सारी लाइफ स्पॉइल हो गई है। जब जज ने कहा कि पॉलिटिकल पेट्रोनेज भी है, मतलब पॉलिटिशियंस ने ऐसी कोशिश करी थी कि इस केस में जस्टिस ना मिले, तो आपको क्या लगा? ये बिल्कुल सही है। देखो जब भी आता था इनको, इसको बचाया जाता, कितने कमीशन कमेटियां बनी, हर कमीशन कमेटी में ये बचता रहा। देखो जो अनवर कौर वाले मैटर में जो हुआ, उसमें जब सीबीआई इसको अरेस्ट करने गई है तो सीबीआई की गाड़ियां जला दी और सीबीआई को एक कमरे में बंद कर दिया। इसका मतलब ये पावरफुल थे, और तब तक सेंटर में कांग्रेस थी तो पावरफुल थे लोग, तभी बचा रहे थे इनको। कमलनाथ जी अभी सीएम बने हैं मध्य प्रदेश में, आपको क्या कहना है? देखो ये तो हमारी कौम की बेवकूफी है, मैं अकालियों की बेवकूफी कहती हूँ। जो कमलनाथ थे वो बने, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। पहले सरना साहब थे दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के मैनेजर, सॉरी प्रेसिडेंट, तो तब वो बचाते रहे हैं। मुख्तार सिंह इसका मेन गवाह है इस केस में, और अब अकाली दल बादल है जो उसको वो नहीं गवाही दे रहे, वो वोट बैंकिंग के लिए हमारे को यूज करते हैं, वो क्यों नहीं करा रहे गवाही? आज जो बना कमलनाथ, जो बना अकालियों की वजह से बना। अकाली कह रहे हैं आज किन्नी खुशी लग रहा है, इन्हें बड़े चौथी बरिया बाद मिली है, राहत मिली है कुछ, जरा कुछ कहते नींद नहीं आती सब।